मैरिज रजिस्ट्रेशन ये अनिवार्य कर रहे हैं, और बाहर से लोग जो आने वाले जाने वाले टेम्परेरी रेजिडेंट यहाँ जो आएंगे उनका भी डाटा हम रखेंगे, कौन आदमी कहाँ काम कर रहा है उसकी सारी जानकारी हमारे पास रहेगी, सरकार की ओर से किसको क्या लाभ पहुँच रहा है, किसको क्या ज़रूरत है, ये उसके घर पहुँचाएंगे। कई लोग तो गलत ढंग से भी चीज़ों का उपयोग कर जाते हैं, इसमें से गलत आदमी भी थोड़ा सा बचाव कर लेंगे, उसको ज़रूरतमंद आदमी की ज़रूरत पूरी हो, गलत आदमी की ज़रूरत यानी गलत आदमी की जो डिमांड है उसको पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। वरना तो बहुत से कहते हैं फ्रॉड ही बहुत हो जाते हैं, पिछले दिनों के अंदर एक मैट्रिक स्कॉलरशिप का फ्रॉड, वो भी ऐसे ही हो गया, स्टूडेंट होते नहीं थे, कहीं भी फार्म भरे, नाम लिखवाए और अंगूठा लगाया, अपना निकाल लिया स्कॉलरशिप, बाद में पता लगा कि फ्रॉड ही फ्रॉड है। तो ऐसी सब चीज़ों का कंट्रोल करने के लिए एक हम आदमियों का हिसाब किताब, इसी प्रकार दूसरा है हमारा जमीनों के बहुत झगड़े हैं, जमीनों के गांव में हमने देखे हैं, आप तो गांव के गांव के रहने वाले आदमी हैं, हर किसी का कोई ना कोई झमेला, जमीन बंटवारे का झमेला है, फिर इंतकाल का झमेला है, फिर कब्जों के झमेले हैं, और पुराने बाप दादा लाई चीज़ें अभी भी चलती आ रही हैं, बंटवारे नहीं हुए, एक एक किले में 1/300 1/400 ये हिस्से उनके बने हुए हैं, जो हमारी रजिस्ट्रियों के अंदर किसी की जमीन कोई रजिस्ट्री करा जाता है उसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। तो ये सारी डॉक्यूमेंटेशन हम डिजिटलाइज तरीके से करा रहे हैं ताकि जमीन का भी एक इंच का हिसाब ये ठीक से हो जाए, और कौन सा किसका टाइटल है ये उसका उसके साथ हम कर लें, ये एक नया प्रोग्राम आगे चला रहे हैं। एक तीसरा विषय है हमारा पशुधन, पशुधन में भी हर पशु को हम टैगिंग करा रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट हो और चाहे वो गौशाला में नंदीशाला में हो, कहीं भी हो, जंगली को तो नहीं हम पकड़ पाएंगे, जंगली तो हम छोड़ देंगे, लेकिन जंगली पशु के अलावा बाकी जितना पशुधन है उसके ऊपर टैगिंग कराएंगे, और हर एक के हिसाब से हम उसका जो कुछ उसकी बढ़िया से बढ़िया सेवा पशुओं की कर सकते हैं वो भी हम करेंगे, खास करके गौशालाओं की नंदीशालाओं की, ये जो बेसहारा आवारा पशु घूमता है जिसके कारण से एक्सीडेंट बहुत होते हैं इसकी व्यवस्था करेंगे। चौथी चीज़ है वो है पेड़, पेड़ों का कैसे हम घनत्व बढ़ाएं, पौधगिरी के कार्यक्रम ये कैसे हम करें, इसके लिए पिछले साल हमने कार्यक्रम शुरू किया था हर विद्यार्थी एक पौधा लगाएगा, अब इसको और बढ़ाते हुए आगे हर व्यक्ति इस साल में एक पौधा लगाए, या मानो सक्षम व्यक्ति, जो सक्षम नहीं है वो छोड़ भी देंगे, जो सक्षम व्यक्ति है हर व्यक्ति एक पौधा लगाए, ताकि हमारा जो वन क्षेत्र भले ही ना बढ़े लेकिन हमारा जो ट्री कवर ज़्यादा ज़्यादा बढ़ना चाहिए। हमारे गांव में भी क्या 1,000-2,000 पेड़ नहीं लग सकते, 5,000 पेड़ नहीं लग सकते, लग सकते हैं, तो पेड़ों को बढ़ाएंगे, और इन पेड़ों की संख्या, इन पेड़ों के ऊपर हम जो है व्यक्तियों के जिम्मे लगाएंगे भी इतने पेड़ आपने संभालने हैं, वो सरकारी चाहे डिपार्टमेंट के नाते से हो चाहे वॉलंट्री इस नाते से हो, तो वॉलंट्री लोगों के माध्यम से भी हम सब करेंगे। इसी प्रकार से एक हमारा प्रोग्राम है जो मैंने शब्द प्रयोग का वॉलंट्रीज़म, आज समाज के अंदर हर व्यक्ति है कि मैं काम करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, खास करके सरकार के साथ, लेकिन समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जो अपनी इच्छा से सद्भावना से अपने अपने वॉलंटरली जो स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से सेवा करते हैं, तो सेवा करने वाले लोगों को भी पहचान करना और उनको भी सरकारी प्लेटफॉर्म में ला करके कि भाई जितना ज़्यादा ज़्यादा काम बिना अपेक्षा के जो कर सकता है उससे पूरा काम लेंगे। आज बहुत हमारे हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जो पेंशन लेते हैं, जो उनकी अपनी आवश्यकताएं नहीं है पूरी कर चुके हैं, बच्चे ब्याह दिए, बड़े हो गए, वो कहते खाली बैठे हैं, तो ऐसे लोगों से काम लेना एक वॉलंटियरिज्म का ये कार्यक्रम करेंगे। एक हम किसानों के नाते से जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं कि हर किसान का इंडिविजुअल हम ध्यान रखेंगे। आज हमारे किसान 2-3 प्रकार के हैं, छोटा किसान है, मध्यम किसान है, बड़ा किसान है, योजनाएं किसानों के लिए केंद्र सरकार भी बनाती है, प्रदेश सरकार भी बनाती है, लेकिन छोटे किसानों के लिए योजना बनती है, लाभ छोटे किसान को मिलता नहीं है, वो या तो बड़ा किसान उठा जाता है या मध्यम वर्गीय थोड़ा बहुत किसान उठाता है, छोटे किसान को तो लाभ मिलता ही नहीं है। ये जो छोटे छोटे किसान हैं 1 एकड़ का 1.5 एकड़ का 2 एकड़ का, इनको हम जो है अलग से जो खेती के अलावा आमदन के क्या क्या और हो सकता है, उसके अंदर मुर्गी फार्म हो सकता है, उसके अंदर डेयरी फार्म हो सकता है, उसके अंदर पिगरी हो सकती है, मधुमक्खी हो सकता है, फिशरी हो सकती, कितने ही काम हो सकते हैं, तो ऐसा एक एग्रीकल्चर का सिस्टम ये हम खड़ा करेंगे कि उसकी आमदन बढ़े, और फिर जो कमा लेता है किसान, जिसके पास अच्छे दो दाने पैदा भी हो गए, उसको भी खर्चा करने का अपना हिसाब पता नहीं है, उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये ठीक नहीं है, तो उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट बढ़िया हो,
उसके लिए हमने मन में विचार किया हुआ है, लेकिन योजना लागू करनी है। शायद आज मैं कह रहा हूँ तो कल ये जब हवा में चली जाएगी तो इसको लागू करने के लिए हमें थोड़ा सहूलत मिल जाएगी। हम किसानों के लिए कुछ किसान मित्र खड़ा करेंगे। किसान मित्र कौन होंगे? जो अपनी अच्छी फसल खुद पैदा करते हैं, प्रोग्रेसिव फार्मर हैं। प्रोग्रेसिव फार्मर को कहेंगे कि भाई अपने जैसे 50 फार्मर और बनाओ, 10 फार्मर और बनाओ, क्योंकि किसान जो है किसान की बात अच्छी प्रकार से सुन लेगा। शायद वो किसी कृषि वैज्ञानिक की बात नहीं सुनेगा, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वाले की नहीं सुनेगा, सरकार की नहीं सुनेगा, वो एक किसान की बात अच्छी प्रकार से सुनेगा। हाँ, जैसे मानो आप एक्टर है ना, आपको अच्छा गुरु कोई एक्टर बताए तो आप बहुत जल्दी सुन लेंगे, भी अच्छा एक्टर है, अनुभवी एक्टर है, वो बता रहा है। कोई आपको जो बाहर का कोई आदमी है वो कुछ बताएगा, कहेंगे हाँ थ्योरी है, थ्योरी पर चलने दो। तो इसलिए देखेंगे हर कोई अपने काम के हिसाब से, उसको जो अच्छा लगता है उस हिसाब से चलता। तो किसानों को किसान मित्र इस नाते से उनके साथ एसोसिएट करके और फिर हम उनको आगे बढ़ाएंगे ताकि किसान की हालत भी ठीक हो। और एक विषय वो है पानी का, जो मैंने पहले आपने जो बताया मेरा पानी मेरी विरासत। मैंने विरासत शब्द क्यों इसको दिया, क्योंकि जमीन जो होती है वो विरासत में आदमी अगली पीढ़ी को देके जाता है। बाप दादा की विरासत हमको मिली हुई है, हम कहते हैं कि भाई जमीन तो विरासत है, ये पानी भी विरासत है। जमीन पानी के साथ देके जाओ, फूकी जमीन मत देके जाओ जिसमें पानी ही ना हो। तो इसलिए पानी को भी अपनी विरासत में जोड़ो। अगली पीढ़ी इंतजार कर रही है, इंतजार करेगी, यानी जब आएगी अगली पीढ़ी आएगी, हम जाएंगे तो वो आएंगे, तो इसलिए उनको पानी देके जरूर जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि वो हमको गालियां दे। तो मोटे रूप से हमारे दिमाग में पूरी पिक्चर है कि हम अपने 6 महीने में जो जो चीज़ दिशा अपनी तय करेंगे, जो काम शुरू करेंगे, हो सकता है कुछ 6 महीने में पूरे हो जाएं, हो सकता है कुछ 6 महीने बाद और अगले 6 महीने साल लगे जिसको पूरा करेंगे, लेकिन एक दिशा ऐसी कि हरियाणा का हर व्यक्ति सुखी हो, हरियाणा आत्मनिर्भर बने। अगर हरियाणा आत्मनिर्भर बनेगा तो देश भी आत्मनिर्भर हो ही जाएगा। जय हो सर। मेरा अगला सवाल यही था कि पीएम साहब ने तो कह दिया आत्मनिर्भर बनो, पर हमारा तो है फेडरल कंट्री, तो वो तो स्टेट वाइज आत्मनिर्भर करने पड़ेंगे। तो मेरे ख्याल से आपने इस चीज का जवाब दे दिया है कि हम आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे। अब सर, अब अक्सर देखा गया है कि नेताओं को कड़े डिसीजन लेने पड़ते हैं, पब्लिक को कई बार कड़वी दवा भी पिलानी पड़ती है उनकी भलाई के लिए, और जब ये डिसीजन लेते हैं तो एक नेता के तौर पे अपने वोट बैंक की भी चिंता होती है, झिझक होती है। तो जब आपके सामने ये चुनौतियां आती हैं तो आप इनको कैसे, आप कैसे डील करते हो सर? देखिए रणदीप भाई, ये सोच सोच का फर्क होता है। कई बार जब जिसको हम कहते हैं ना कड़ा डिसीजन, तो भय होता है कि इस कड़े डिसीजन के कारण से कहीं कोई नुकसान ना हो जाए। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर कड़े डिसीजन का अपने को ये पता है कि ये ठीक डिसीजन है, तो निश्चित रूप से जनता उसको पसंद करती है। क्योंकि हम जूझते रहते हैं अपनों में और जनता में। एक तो जिनको हम अपना मान लेते हैं, ये हमारे हैं, ये मेरे साथ उठते बैठते हैं, मेरे साथ चाय पीते हैं, मेरी पार्टी के लोग हैं, मेरे सरकार के साथ जुड़े हुए लोग हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरे अपने हैं। और एक है जनता, जिसको कहना चाहिए एट पार। तो जनता जो ओवरऑल जनता होती है, उसके हित में यदि आप काम करेंगे, जनता अगर खुश हो जाएगी तो अपने भी अपने आप खुश हो जाएंगे। मेरे सामने 2-3 उदाहरण है। जैसे सबसे पहले हमने मेरिट के ऊपर नौकरियां, ये जब बात कही थी तो उस समय कुछ लोगों ने आपत्ति जताई कि अगर मेरिट पर दोगे तो फिर अपने लोग जो इतने सालों से रेड़ियां रगड़ रहे हैं, इनका क्या बनेगा। मैंने कहा भाई जो लग जाएंगे उनको अपना मान लेना, अपने मानना है तो जो लग जाए वो बढ़ जाएंगे अपने, उसमें क्या है। लेकिन उस समय थोड़ा विरोध हुआ, बाद में ये जब सब हुआ तो उसके बाद सब लोग जो अपने भी थे, यानी पहले भी अपने थे, आज भी अपने बहुत हो गए, उससे ज्यादा अपनों की संख्या बढ़ी है घटी नहीं है, तो पहले वाले भी जो अपने थे वो भी कहने लगे नहीं ये स्टेप आपका अच्छा है, कम से कम इस दुविधा में से बच गए कि अगर हम 10 को नौकरी देते तो 50 नाराज होते, अब वो 10 भी राजी हैं, 50 भी राजी हैं कि जिसको मिली है भाई ठीक मेरिट पर मिली है। वरना ये कांग्रेस के लोगों ने इतने सालों तक यही खेल खेला ना, अपने 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 अपने, अगर ये अपने अपने चक्कर में। बहुत बड़ा स्टेप था सर, बहुत बड़ा स्टेप था ये कि वो कंप्यूटर से कुछ सिफारिश नहीं लग सकती, कुछ नहीं लग सकता, वो मेरिट पे आएगा, बहुत बड़ा स्टेप था सर। तो वही इस बड़े स्टेप को अगर मान लो अपने अपने के कारण से हम बार बार सरकार में आते तो ये कांग्रेस वाले क्यों नहीं आए? कांग्रेस वाले तो मंच पर खड़े होकर दावा करते थे मैंने इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 500 लोग लगाए, मैंने इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 200 लोग लगाए। हम कहते थे भाई हमने नहीं लगाया एक भी,
जो नौकरी लेके गया है वो हमारे से लेके गया है, हमने नहीं दी है, अगले में दम था लेके गया, तो जो दम वाला वो लेके गया है, तो हमारी बात को लोगों ने ठीक माना, उनकी बात को ठीक नहीं माना। ऐसे ही दूसरा उदाहरण देता हूं, वो है ये जो ट्रांसफर का, हमने ट्रांसफर पॉलिसी बनाई और बिल्कुल एकदम सीनियोरिटी के आधार पर ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी। सबसे पहले अध्यापक एक हरियाणा में ऐसा एक वो है हमारे यहाँ वर्ग के जो कई बार हिला देता है सरकारों को, लेकिन हमने कहा कि नहीं, अध्यापक खुश रहना चाहिए, अध्यापक जहाँ जाएगा वहाँ जाके पढ़ाए। वो जमाना निकल गया जब एक मुख्यमंत्री ने पहले पुराने ने किया था कि कोई अध्यापक जो है वो 20-25 किलोमीटर से नीचे घर के नज़दीक नहीं रहेगा, सब उससे दूर जाएंगे। हमने कहा नहीं भाई, घर के नज़दीक आओ, वहाँ पढ़ाओ, मन ठीक रहना चाहिए आपका। 42,000 टीचर एक सिंगल क्लिक से हमने ट्रांसफ़र किए और उसके बाद इतने लोग राजी हुए। 93% अध्यापक ऐसे हैं जो हमने कहा था वो हमको मिल गया, तो 93% राजी हैं, 7% भी राजी हो जाएंगे। तो हमने ऐसे ऐसे कई प्रयोग किए, सबने राजी तो वैसे करना मुश्किल है सर, कोई ना कोई तो उठकर भगवान भी नहीं कर सकता। नहीं सर, आप अच्छा, अब आप सर, हमने सुना है आप व्यापार के टाइम में बहुत घुमा करते, फिर आप संगठन में आए, फिर पार्टी में, आपने मतलब 3 बारी तो आपने पूरा हरियाणा नाप दिया सारे जिले पिछले टर्म में। तो सर अब ये लॉकडाउन में बाहर निकल नहीं सकते, कुछ नहीं, लेकिन मुझे 2 महीने में भी 2.5 महीने में तकलीफ नहीं हुई। मुझे ये हरियाणा सरकार ने कई एकड़ का दे रखा घर ही है, और इस कई एकड़ के घर में सुबह से लेकर शाम तक मैं 2-3 चक्कर मारता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं घूम लिया हरियाणा पूरा घूम लिया। एक पिछले दिनों एक चुटकुला आया था व्हाट्सएप पर, तो उसने एक दिल्ली में एक आदमी रह रहा था, उन्होंने कहा जी दिल्ली कैसे घूमूं, तो पत्नी ने कहा पति को दिल्ली कैसे घूमे, पति ने कहा कोई नहीं शाम को इंतजाम कर दूंगा, दिल्ली घूम के आएंगे। उसने क्या किया कि अपने 4 कागज की पर्ची बनाई और 4 कमरे थे उसके घर के, तो एक कमरे के गेट के ऊपर लगा दिया कुतुब मीनार, दूसरे कमरे ऊपर लगा दिया ये रेलवे स्टेशन, तीसरे पर लगा दिया लाल किला, और चौथे पर लगा दिया ये अशोका पार्क। अब वो पत्नी को कहा चल दिल्ली घूम के आते हैं, कहाँ है दिल्ली, हाँ तो सही, तो ले गया है कमरे में, ये तो है लाल किला, और दूसरे कमरे कह दिया ये है कुतुब मीनार, तीसरे में कहा ये रेलवे स्टेशन, घूम के आके दिल्ली घूम ली ना, पत्नी कहती हाँ दिल्ली घूम ली, तो मन को समझाना भाई। तो सब लोगों ने अपने अपने इलाके घर में रह के ही पूरा आनंद लिया है, और ये जो एक समय था कोरोना का, इस समय में अनुभव बहुत नए नए आए लोगों के, यानी परिवारों में छोटी मोटी जो उलझने थी लोगों की वो दूर हो गई, घर में इकट्ठे रहे, वरना तो ऐसे ऐसे परिवार थे जो कभी इकट्ठे घर में सारे मिलकर के खाना नहीं खाया करते, अब लगातार घर में रहना पड़ गया, छोटे मोटे विवाद थे वो दूर हो गए, कुछ छोटे मोटे झगड़े भी हुए होंगे, ऐसा नहीं कि वो नहीं हुए, बिल्कुल रह करके वो भी होंगे, लेकिन एक अच्छा परिवार, यानी बाजार के लोग ये कहते हैं, वो कहते हैं जी ये 6 बजे जो बंद करते हो ना, इसको परमानेंट फीचर कर दो, अब इसका टाइम मत बढ़ाना, क्यों हमें भी 6 बजे घर जाने का मौका मिल जाता है, जाके अपना परिवार के साथ बिताते समय। तो अलग अलग अनुभव है लोगों के, एक नया अनुभव था, कभी किसी ने आज तक देखा नहीं था, पहली बार ये अवसर आया, अचानक आया, कोई पूर्व तैयारी नहीं थी, लेकिन आवश्यकता आविष्कार की जननी है, उस नाते से लोगों ने अपने आप को एडजस्ट कर लिया। मेरा तो ये मानना है सर कि ये महीने में 1-2 दिन ये लॉकडाउन कर देना चाहिए, पर्यावरण को भी फायदा होगा और घरवालों को भी फायदा होगा। या पर्यावरण ने भी सांस लेने दोगे, घूम घाम लो भाई। तो और सर मैं फाइनल सवाल मेरा यही है सर, आपने सारे मेरे पर जो मेरे जो दिमाग में जो सवाल थे लोगों के, जो मुझे लगता था पूछने चाहिए, वो तो आपने सारे बता दिए। मैं सर करनाल में मेरी शूटिंग चल रही थी लॉकडाउन से पहले, तो कब आ सकते हैं शूटिंग करने वापस? वो कोई नहीं, इंडोर शूटिंग तो आज भी कर लो आके, इंडोर तो वो तो हिसाब से देखेंगे सर, पर बिल्कुल ये मेरी दूसरी पिक्चर रहेगी आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, पहले मैंने बनाई थी लाल रंग, आप तो अब तो घर पे हो देख लो, आपने पहले तो देखी नहीं थी, कसूती पिक्चर है करनाल, उसमें स्पेन जैसा लगता है स्पेन। अरे नहीं बहुत अच्छा, देखिए जो नॉर्म्स हैं अभी बने हुए, जितनी भी गाइडलाइंस हैं सोशल डिस्टेंसिंग की,
और इस प्रकार की मास्क लगाने की, अगर इसके हिसाब से कर सकते हो तो कभी कर लो, वरना तो भाई मास्क वाला सोशल डिस्टेंसिंग वाला दो चीज़ तो हम भी कहीं जाते हैं ना, 4-10 लोगों के बीच में आ जाकर बैठते हैं तो फोटोग्राफर ये फोटो खींचता है कि आपने मास्क पहन रखा कि नहीं आपने। अरे वो तो प्रॉब्लम है सर, पर पिक्चर तो लव स्टोरी है, क्यों कर मास्क लाके शूटिंग कराएंगे। चलो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। निकलेगी वो भी निकलेगी, कोई निकली तो आप ही निकालोगे, हम तो क्या निकालेंगे, क्योंकि ये फील्ड आपका है, जरूर निकालो, कुछ जुगाड़ कराएंगे सर, करो करो जुगाड़ कराएंगे। चलिए ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़े खुल के जवाब दिए, धन्यवाद। और मेरा पहला इंटरव्यू या बातचीत करने का, दूसरे से करवाने का पहला अनुभव, बहुत बढ़िया राजन। ओके सर, राम राम जी, राम राम, राम राम, राम राम।